लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से है ना हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट आउट कर सकते हैं लैरावेल में, बट इस क्लास में हम लोगों ने उसको थोड़ा आगे बढ़ा देना है और जानना है कि किस तरह से हम लोग HTML का फाइल को यहाँ पे प्रिंट आउट करते हैं। तो HTML का फाइल को बनाने के लिए हमने लास्ट क्लास में व्यूज़ फोल्डर का इस्तेमाल किया था। व्यूज़ फोल्डर रिसोर्स फोल्डर के अंदर आता है, रिसोर्सेज के अंदर आता है, जहाँ पर आपका सारा कम्प्लीट HTML का वर्क होगा, यानी कि हम लोग इसमें सारा अपना वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दो करके दिखाता हूँ। सपोज़ करो कि मैं मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड करना है, तो मैं अपना वेबसाइट getbootstrap.com से ऑनलाइन CDN लिंक ले लेता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप को एनेबल कर पाऊँ। तब तक जब तक ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर और भी पेजेस के बारे में बताता हूँ। welcome.blade.php जो बना हुआ था उसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि उसकी ज़रूरत नहीं है अब मुझे। हालांकि मैं मल्टीपल पेजेस को यहाँ पर रेंडर कर सकता हूँ। मल्टीपल पेजेस को रेंडर करने के लिए मुझे यहाँ पर और फाइल्स बनानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक फाइल और बना लेता हूँ, जिसका जैसे मान सपोज करो कि मेरा एक कोई पेज है जो इसका नाम है अबाउट है .blade.php, और इस तरीके से मैं कई पेजेस बना सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मोस्ट कॉमनली दो पेज बनाकर काम में निकालता हूँ। तो देखिए ये बूटस्ट्रैप का CDN लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने इस जगह पर डाल दूँ। तो इससे क्या हुआ, CSS लिंक हो गया जो ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर, अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं जानते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर बूटस्ट्रैप के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नेबर बना रहा हूँ जो कि बूटस्ट्रैप की मदद से बना रहा हूँ। nebbar-expand-lg nebbar-dar और bg सपोज करो डेंजर। मैं इसके अंदर एक कंटेनर ले लेता हूँ और इसके जस्ट अंदर मैं a टैग nebbar-brand, ये बहुत सिंपल है, और इस जगह पे मैं यहाँ पे डालूँगा लोगों का नाम, तो news7 लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च के लिए एक फॉर्म बना सकता हूँ जो कि डिस्प्ले फ्लिक्स d-flix क्लास है, जो कि इनलाइन कर देगा इसको। ठीक इसी तरीके से मैं इसके अंदर में एक इनपुट टाइप बना लेता हूँ, जो कि इनपुट टाइप सर्च होगा, और इसका क्लास में फॉर्म कंट्रोल रखता हूँ। फॉर्म कंट्रोल रखने से वो डिज़ाइन बूटस्ट्रैप का ले लेगा। इसका नेम मैं डिसाइड कर लेता हूँ, इसका नेम मैं सर्च डिसाइड किया। इसी तरीके से एक बटन बनाऊंगा, फाइंड नाम का नेम रख लेता हूँ, सबमिट इनपुट टाइप सबमिट, और बटन का डिज़ाइन बूटस्ट्रैप का होता है BTN से, BTN-Danger, सॉरी डेंजर में डेंजर कलर इन्फो सिंपल। और मैं यहाँ पे कुछ URLs बनाने के लिए nebbar-nav ML auto लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक इस तरीके से li-nav-item और nav-link ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद यहाँ पर आपको होम और अबाउट दो पेजों का लिंक के लिए यहाँ तैयार करता हूँ, दो URL। आउटपुट देखा जाए कैसा आ रहा है। क्योंकि ऑनलाइन लिंक है तो इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए काफ़ी अच्छा नेब बार आ गया है। अब ये नेब बार में आप यहाँ पे होम और अबाउट के दो लिंक देख सकते हैं। मैं होम पेज को थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ, ताकि थोड़ा नीचे भी दिखे अच्छे से। मैं यहाँ कंटेनर रो और उसके बाद col-3 और col-9, 3 को लिस्ट ग्रुप, और उसके बाद list-10 group-10 आइटम list-10 group-10 item-action, ये इसका क्लास है। अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो आपको बूटस्ट्रैप की वीडियो देखनी पड़ेगी। लिंक्स
ठीक है। इस तरीके से मैं आपको इसमें बेसिकली ये दिखाने वाला हूँ कि अगर ये होम पेज है, अगर मैं अबाउट पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो उसके लिए कैसे बनेगा, उसके लिए कैसे HTML तैयार होगा। तो मैं इसका सारा कॉपी करके अबाउट डॉट पी एच पी में पेस्ट कर देता हूँ पहचानने के लिए। सिर्फ यहाँ पे एक H1 डाल देता हूँ और लिख देता हूँ दिस इज़ अबाउट पेज। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने राउट नया बनाया था वेब में, वेब डॉट पी एच पी में, यहाँ पर राउट आप एक नया बना सकते हैं राउट। अब ठीक इसी तरह से व्यू स्लैश और मैं यहाँ पर अबाउट लिख देता हूँ तो ये एक नया लिंक बन गया। जिस पेज को मैं एक्सेस करूँगा उसका नाम है अबाउट सेमी कॉलन। बहुत सिंपल। तो मैंने राउट एक और नया बना लिया है, जो अबाउट पेज को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको स्लैश अबाउट लिखना पड़ेगा। देखिए दिस इज़ अबाउट पेज, वो उस पेज में था और वो आ गया सक्सेसफुली। मेरा दो पेज रेंडर हो रहा है। मैं अगर लिंक जनरेट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर इस जगह पर तो स्लैश अबाउट लिखकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से होम पेज में आने के लिए स्लैश लगाऊंगा तो होम पेज में आ जाऊँगा। ये मैंने ए हर्फ में लिख दिया। ऐसा होम पेज में भी करेंगे, स्लैश में होम पेज और स्लैश अबाउट में इस तरीके से। बहुत सिंपल है, मैंने दो पेजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया। अब आराम से मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम पेज पे, और अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पेज पे। बहुत सिंपल। तो इस तरीके से आप अपना कई पेजों का वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। तो मेरे इस प्रोजेक्ट इस वीडियो के बाद आपको एक असाइनमेंट टास्क है कि आप एक वेबसाइट बनाएं जिसमें 4 से 5 पेजेस होंगे, सब बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन कर लें और उसको फिर मुझे कमेंट में उसका गिटहब का लिंक भेज दें या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दें। चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।